चाचा के साथ आते ही और एक्शन में आए अखिलेश यादव, नए तेवर में आकर सियासत के नए फ्लेवर का उठाया लुत्फ। शिवपाल की मौजूदगी से सपा में जोश आई, जातीय जनगणना को लेकर योगी सरकार पर की चढ़ाई। शिवपाल तख्ती लेकर वेल में पहुंचे, अखिलेश ने वेल में पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा में कार्यवाही के दौरान वो किया जैसा अब तक उन्होंने नहीं किया। अखिलेश एक अलग ही अंदाज में दिखे, एक अलग ही तरह की सियासत करते नजर आए, तो ऐसा क्यों हुआ, ये किसका असर है? शिवपाल यादव के सपा में होने के क्या मायने हैं? ये इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दौरान पूरे रंग में है। ये सियासी रंग यूं ही नहीं चढ़ा, ये रंग चढ़ा तो शिवपाल यादव की उपस्थिति की वजह से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चाचा शिवपाल यादव का साथ मिल गया है, इसके बाद से अखिलेश एक्शन में आ गए हैं। पहले तो शिवपाल नेता विपक्ष अखिलेश की अनुपस्थिति में सपा विधायक दल की बैठक का नेतृत्व करते दिखाई दिए। सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन के दौरान शिवपाल ने अगुवाई की तो अखिलेश भी वेल में पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लखनऊ विधानसभा में पहले दिन सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की शुरुआत से पहले सपा के विधायकों ने हंगामा किया और फिर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। गो बैक के नारे के बीच गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी असहज दिखी। हंगामे की वजह से स्पीकर सतीश महाना भी नाराज नजर आए। अखिलेश खुद वेल में मौजूद होकर नारेबाजी की अगुवाई करते दिखाई पड़े। वहीं विधानसभा की कार्यवाही से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, सभी विधायक अपने इलाके के मुद्दे रखेंगे, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी और जवाब देने को भी तैयार है। यूपी की 25 करोड़ जनता के लिए बजट पेश होगा, उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष भी सार्थक तरीके से सदन में कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। शांति और शालीनता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होने से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो विधानसभा के अंदर शिवपाल यादव के सख्त तेवर दिखे। यह शिवपाल की उपस्थिति ही थी। अखिलेश पहली बार वेल के अंदर आए, हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मार्शलों के साथ नोकझोंक भी हुई। महाराज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 7 साल बाद शिवपाल यादव पहुंचे। साल 2016 में अखिलेश यादव से मनमुटाव बढ़ने के बाद से वो सपा दफ्तर नहीं गए थे। साल 2017 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली।